हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन नाउ वी विल कंप्लीट चैप्टर सिक्स द वेस्टर्न डेजर्ट फ्रॉम सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास फोर्थ सो लेट्स बिगिन हियर इज द चैप्टर सिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर द वेस्टर्न डेजर्ट वेस्टर्न डेजर्ट मीन्स होता है आपका पश्चिमी रेगिस्तान डेजर्ट पता है ना डेजर्ट मीन्स मरुस्थल रेगिस्तान जैसे आप राजस्थान जाते हो वहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है कभी आपने विज़िट किया हो तो, तो पश्चिमी रेगिस्तान वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी ठीक है डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान ओके तो चलिए आगे करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं सबसे पहले इसके यह है यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव लोकेशन ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट यहाँ आपको टू पॉइंट्स दिए गए हैं पहला है लोकेशन ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट वेस्टर्न डेजर्ट जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है फिर आता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन ओके क्लाइमेटिक कंडीशन जलवायु की दशा एंड वेजिटेशन इन डेजर्ट और वनस्पति ठीक है वेजिटेशन वनस्पति कहाँ कहाँ है आपकी रेगिस्तान में ओके okay, तो ये ही हम आप पढ़ेंगे आगे चलिए करते हैं ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैप दिया हुआ है आपके लिए पूरा ठीक है मैप आप कर लेना आगे देखिए अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर तो इसको समझिएगा अच्छे से द बेस्टर्न डेजर्ट ओके पश्चिमी रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थल टू द वेस्ट ऑफ द नॉस्टर्न प्लेन्स आप देखिए यहाँ पे टूवार्ड्स द वेस्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स मीन होता है उत्तरी मैदान ठीक है उत्तरी मैदान की तरफ वेस्ट में लाइज अ हॉट ड्राई एंड सैंडी एरिया तो वहां का एरिया कैसा रहता है लाइज अ हॉट ठीक है गरम ड्राई बिल्कुल सूखा हुआ सैंडी मर्द बिल्कुल रेत वाला एरिया रहता है विद वेरी लिटिल वेजिटेशन और जहां पे वेजिटेशन वेजिटेशन वनस्पति जैसे आप देखते हो ना पेड़ पौधे उगे रहते हैं घास रहती है तो वैसा कुछ भी नहीं होता बहुत कम होता है होता तो है बट लिटिल वेजिटेशन रहती है ओके सो इट इज़ नोन एज तो इसी को हम जानते हैं वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से या फिर थार डेजर्ट के नाम से मतलब थार मरुस्थल या फिर पश्चिमी मरुस्थल सो so इट इज़ ऑल्सो नोन इसको और भी जाना जाता है किसके नाम से एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ओके ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी आप जानते हो देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है ठीक है वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस एरिया इस एरिया में बारिश कम होती है द वेस्टर्न डेजर्ट जो पश्चिमी रेगिस्तान है लाइज मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान तो ये वेस्टर्न जो पश्चिमी इलाके हैं पार्ट हैं हिस्से हैं जैसे कि राजस्थान यहाँ ज्यादा मतलब वो रहता है द डेजर्ट में लाइज रहती है मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान में मरुस्थल है ओके okay, तो इट स्ट्रेच ये कहाँ तक फैला हुआ है अब ये देखेंगे आप इट स्ट्रेच ये देखिए फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर टू बॉर्डर ऑफ हरियाणा हरियाणा के बॉर्डर तक ओके सो देर आर वेरी फ्यू वाटर स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट यहाँ पर वहाँ क्या है आप देख सकते हैं कि वाटर स्ट्रीम जो होती हैं उस एरिया में डेजर्ट वाले में मरुस्थल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वाटर स्ट्रीम्स बहुत कम होती हैं वेरी फ्यू वाटर स्ट्रीम्स क्या होती हैं नहर वगैरह वो जो धाराएं होती हैं ना पानी की तो वो बहुत कम होती हैं ठीक है थिके? अब आगे देखिएगा डेजर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज विच डेजर्ट विच एक्सटेंड बियॉन्ड पाकिस्तान इन द अरेबियन डेजर्ट डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज डेजर्ट जो इंडियन डेजर्ट है ठीक भारती है भारतीय जो मरुस्थल है इज अ पार्ट ऑफ वेरी लार्ज डेजर्ट ये बहुत बड़ा हिस्सा है मरुस्थल का विच एक्सटेंड जो कि फैला हुआ है एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार होना फैला होना बियड बीन्ड मीन्स होता है आपका आगे की तरफ ठीक है आगे की तरफ फैला हुआ कहाँ तक पाकिस्तान इंटू अरेबियन डेजर्ट ठीक है पाकिस्तान से अरेबियन डेजर्ट तक अरेबियन मरुस्थल तक यहाँ पे देख रहे हैं आपको पिक्चर दिख रही होगी ये देखिए यहाँ पे ये पूरा रेगिस्तान है ये देख सकते हैं ये पूरा रेत 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 यहाँ पेड़ नहीं है बिल्कुल भी ठीक है वो हल्का हल्का पेड़ है वो भी ऐसे होते हैं जो कीकर वगैरह के होते हैं या फिर आपके कैक्टस वगैरह के ये ही प्लांट पाए जाते हैं अब देखिए यहाँ पे द इंडियन डेजर्ट इज सैंडी प्लेन जो इंडियन डेजर्ट है ठीक है भारतीय मरुस्थल हैं वो सैंडी प्लेन्स हैं मीन मीन्स होता है, uh, मिट्टी है? Means, तो है मिट्टी के मैदान ठीक है प्लेन मीन्स मैदान तो कैसे हैं मिट्टी के मैदान हैं एक तरह से आगे देखिए इन मैनी प्लेसेस बहुत सारे जगहों पर प्लेसेस जगह देर आर स्मॉल हिलाक्स यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हिलाक्स भी होते हैं ठीक है हिलॉक्स मीन्स पहाड़ी जो बन जाती हैं वो किसकी बनती है ऑफ सैंड कॉल सैंड ड्यून्स मिट्टी की बन जाती हैं जो रेत होता है वहां का और उसी को हम सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं सैंड ड्यून्स होता है बालू के टीले ठीक है सैंड सेंड्यून मींस होता है बालू के जो टीले बन जाते हैं जैसे बालू कहीं इकट्ठी हो गई ठीक है वहां पे ढेर लग गया तो उसका टीला बन गया तो बालू के टीले अब यहां देखेंगे आप सैंड ड्यून्स तो ये ड्यून्स बना हुआ है यहां ये रेत जैसे यहां से उड़ी और इधर 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 डिपोजिट होती गई तो ये आपका ड्यून्स बन गया आगे देखिए डस्ट अब देखो यहाँ पे डस्ट स्टॉम्स डस्ट स्टॉम क्या होता है जो एकदम से तूफान आता है ना धूल वाला रेत उड़ने वाला आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है मतलब आता रहता है डेजर्ट में मरुस्थल में समटाइम्स द डस्ट स्टॉम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जब डस्ट स्टॉम्स आता है रेतीला तूफान आता है आर सो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा भयानक आता है स्ट्रॉन्ग होता है वो दैट द ईजीली मूव तो ये ईजीली मूव कर देता है मिट्टी को ठीक है जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना सैंड के जो टीले होते हैं मिट्टी के बालू के टीले जो होते हैं उनको ईजीली उड़ा ले जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट कर देता है हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अबे कितनी दूर तक कर सकता है हंड्रेड मीटर्स तक अबे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन जहाँ उसकी पोजीशन होती है जैसे कि यहाँ पे एक मिट्टी का टीला बना हुआ है ठीक है बालू का टीला है ये सैन ड्यून है जब है, हैवी इस्ट्रॉ आया तो ये उड़ा और उड़ के हंड्रेड मीटर्स दूर जाके फिर से डिपॉजिट हो गया मतलब अपनी पोजीशन से इसने दूसरी जगह पोजीशन ले ली तो इस तरह से होता है ठीक है सो द सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग ऑल द टाइम तो ऐसे ही होता है कि सैंड जो ड्यून सैंड ड्यून्स होते हैं बालू के जो टीले होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं ऑल द टाइम कभी यहां से वहां कभी यहां से वहां क्योंकि रेतीला तूफान आता है क्लाइमेट अब यहां देखिए क्लाइमेट क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु ओके okay? जलवायु मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी क्लाइमेट में द डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट अब जो डेजर्ट है रेगिस्तान है ठीक है मरुस्थल है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम रहता है बहुत चरम अवस्था में रहता है सो so, यहाँ पे देखिएगा ड्यूरिंग समर द डे आर सो हॉट समर के टाइम पर ठीक है जब गर्मियां होती हैं ना तो उन दिनों में दिन के टाइम पर आठ सो हॉट बहुत ज्यादा गर्मी रहती है कहाँ पर मरुस्थल में एंड हॉट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट और फिर क्या होता है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते ठीक है स्टेप आउट नहीं ले पाते मतलब बाहर नहीं निकल पाते इतनी गर्मी रहती है इतना मतलब जलता है रेत पे आफ्टर द सनसेट और जब सनसेट हो जाता है मतलब सूरज छिप जाता है ओके सो इट कूल्स डाउन इन दिस रीजन तो फिर वहां पर इस क्षेत्र में इस एरिया में रीजन में रीजन मीन होता है एरिया वहां कूल cool डाउन हो जाता है ठंडा हो जाता है द नाइट्स आर प्रेटी कोल्ड जो रात होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं, सुहावनी होती हैं, ठंडी हो जाती हैं, ओके okay? तो रात के टाइम पर अच्छा रहता है दिन के टाइम पर आपका बिल्कुल मौसम बेकार हो जाता है अब देखिए आगे इसी में क्लाइमेट पे यहाँ पे देख रखा है आपका डू यू नो तो डू यू नो देखिए पहले क्या आप जानते हैं तो क्या जानते हैं आप द सेंड हीट्स अप वेरी फास्ट ड्यूरिंग द डे और दिन के दौरान में क्या होता है कि जो सैंड होती है ठीक है बालू होती है वो बहुत जल्दी से हीट अप हो जाती है बहुत जल्दी से वेरी फास्ट मेकिंग द डे इज़ वेरी हॉट और इसी से दिन जो होते हैं ना वो बहुत गर्म हो जाते हैं ठीक है थीके? गर्मी पड़ने लगती है द सेंड कूल्स डाउन वेरी फास्ट अब जो रेत है बालू है वो बहुत जल्दी कूल cool भी हो जाती है वेरी फास्ट कब होती है लेकिन एट नाइट ठीक है रात में ठंडी हो जाती है सो द सेंड कूल्स डाउन मेकिंग द नाइट वेरी कोल्ड जब सेंड जो हमारी बालू है वो ठंडी हो जाएगी कूल cool डाउन हो जाएगी तो रात है कैसी हो जाएंगी वेरी कोल्ड cool. बहुत ठंडी हो जाती है ठंडा मौसम रहता है रात में दिन के टाइम पे बहुत हीट रहती है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है डे टेम्परेचर इन समर्स समर्स के टाइम में जो दिन का टेम्परेचर होता है राइज अप वो बढ़ जाता है ठीक है राइज अप मीन्स होता है बढ़ना तो दिन के टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है याद रखना है आपको एंड द और जबकि नाइट का टेम्परेचर में कम डाउन वो बहुत घट जाता है कम डाउन हो जाता है टू एज लो एज़ फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस कहाँ तक पहुँच जाता है कम होकर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तक फिफ्टी डिग्री सेल्सियस से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस रहता है आपका दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर हो जाता है फ़िफ्टीन डिग्री सेल्सियस विंटर्स इन द डेजर्ट आर कोल्डर विद डे टेम्परेचर जो विंटर्स होती हैं सर्दियाँ होती हैं इन द डेजर्ट मरोस्थली इलाकों में आर कोल्डर विद डे टेम्परेचर ठीक है ये ठंडे रहते हैं डे टेम्परेचर में रिमेनिंग प्लीजेंट अराउंड प्लीजेंट मतलब शांतिदायक होते हैं ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंड हो अराउंड ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्स आर कोल्ड विद टेम्परेचर और रात में टेम्परेचर रहता है ज्यादा बहुत मतलब कम हो जाता है टेम्परेचर गेटिंग एज लो एज एट डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ये याद रखना है विंटर्स में आपका टेम्परेचर डे के टाइम में रहेगा ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तक रहता है और आपका नाइट में हो जाता है एट डिग्री सेल्सियस द वेस्टर्न डेजर्ट हार्डली गेट एनी रेनफॉल देखिए वेस्टर्न डेजर्ट में जो आपका पश्चिमी रेगिस्तान है वहां पर बहुत कमी के अनुसार ही रेनफॉल होता है रेनफॉल बारिश होना दो एनुअल रेनफॉल इन जैसलमेर इज 15 सेंटीमीटर जबकि जो एनुअल मतलब पूरी वार्षिक एक साल में जो रेनफॉल होती है जैसलमेर में इज 15 सेंटीमीटर्स इट रिमेंस ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ़ द ईयर इट रिमेंस और जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है काफी हिस्सों में पार्ट्स में पूरे साल तक सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट डू नॉट गेट रेन कुछ हिस्से ऐसे हैं डेजर्ट के बरुस्तल के जहाँ पर बारिश होती नहीं है एट ऑल फॉर मैनी इयर्स. ठीक है कई कई सालों तक बारिश नहीं होती है अब देखिए आते हैं हम यहाँ पर रिवर्स पर ठीक है रिवर्स नदियाँ देर आर नो परमानेंट रिवर इन दिस डेजर्ट डेजर्ट में कोई परमानेंट रिवर नहीं होती परमानेंट मतलब स्थित जो रहती है तो वो कोई रिवर नहीं होती नदी नहीं होती है इन द रेनी सीजन लेकिन बारिश के मौसम में रिवर लूनी लूनी रिवर है ये याद रखना है आपको एंड सम अदर स्ट्रीम्स गेट फिल्ड अप विद वाटर तो आपके जो आपका पश्चिमी रेगिस्तान है वेस्टर्न डेजर्ट है मरुस्थल है वहाँ पे लूनी रिवर है ठीक है तो ये लूनी रिवर क्या होती है रेनी सीजन में मतलब पानी से भर जाती है और सम अदर स्ट्रीम्स और कुछ और भी धाराएं हैं जो वो भी भर जाती हैं वाटर से बट द वाटर ड्राइज़ अप वेरी फास्ट लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो वाटर है पानी है वो ड्राइज़ हो जाता है ठीक है सूख जाता है बहुत जल्दी से सूखता है अब हम देखेंगे आगे वेजिटेशन वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति ओके okay? तो देखिएगा सिंस रेनफॉल, रेनफॉल रेनफॉल जब होती होती है region, होती है इज इन डेजर्ट रीजन, जो वो बहुत कम होती है नेग्लिजिबल मीन्स होता है आपका बहुत कम मात्रा में ठीक है बहुत कम ओके इन द डेजर्ट रीजन मतलब मरुस्थल क्षेत्र में देर इज हार्डली एनी वेजिटेशन बहुत कमी के अनुसार वेजिटेशन होती है वनस्पति होती नहीं है वहाँ पे वेजिटेशन इज लिमिटेड टू स्कैटर थॉर्नी बुसेज सर्ब्स कैक्टस एंड कीकर जो वेजिटेशन होती है ना इज़ लिमिटेड होती है वो स्केटर्ड भी नहीं हो पाती ज़्यादा मतलब इतना ही रहता है कि थॉर्नी बुसेज होती हैं मतलब जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं सर्ब्स होती हैं कैक्टस के पौधे होते हैं एंड कीकर ठीक है यही प्लांट्स होते हैं मोस्टली सो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज आर एडेप्टेड फॉर द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट ये जो प्लांट्स हैं जो अभी आपको ऊपर नेम बताएं थॉर्नी श्रब्स कैक्टस एंड कीकर तो यही पेड़ हो पाते हैं प्लांट हो पाते हैं अडेप्ट कर पाते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ठीक है मरुस्थल के और नहीं कर पाएंगे सर्वाइव एंड कैन सर्वाइव इन द ड्राईस्ट कंडीशन जो ड्राइस्ट कंडीशन होती है बिल्कुल सूखे वाले इलाके होते हैं वहां पर यही पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं मतलब सर्वाइव करना रह पाना ओके अब देखिए यहाँ पे आपको प्लांट्स दिखाए गए यहाँ पे ये कैक्टस वैक्टस है ये हैं प्लांट्स तो यह प्लांट्स आपको शो कर दिए समझाने के लिए डू यू नो देखिए आप क्या आप जानते हैं हाउ आर कैक्टी एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव इन द हार्स ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट कैसे मतलब कैक्टी जो प्लांट है कैक्टस एबल टू ग्रो ग्रो कर पाता है और सर्वाइव कर पाता है रह पाता है इतने हार्ड से कठोर और ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट में ठीक है बहुत ज्यादा सूखे मरुस्थल में चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कैसे कर पाता है तो द रूट्स ऑफ द कैक्टी स्प्रेड टू कलेक्ट वाटर जो रूट्स होती है ना कैक्टी प्लांट प्लांट की कैक्टस की वो स्प्रेड कर जाती हैं, फैल जाती हैं नीचे की तरफ और कलेक्ट करती हैं वाटर व्हेन इट रेन्स जब बारिश होती है तो पानी को वो सोख लेती हैं इट ऑल्सो स्टोरस वाटर इन इट्स बॉडी और वो स्टोर कर लेती हैं वाटर को अपनी बॉडी में फॉर फ्यूचर यूज़ आगे यूज़ के लिए ठीक है तो इस तरह से वो सर्वाइव कर पाती हैं दे हैव स्वेलन लीव्स एंड स्टेम सो दैट दे स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल इन दैम दे हैव स्वेलन लीव्स और जो लीव्स होती हैं वो स्वेलन होती हैं एंड स्टेम जो उसके तने वगैरह होते हैं सो दैट दे स्टोर एज मच वाटर और इसी से वो स्टोर कर पाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी एज पॉसिबल इन डैम एट सम प्लेसेस देखिए कुछ जगहों पर इन डेज़र्ट मरुस्थल में अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस जो अंडरग्राउंड वाटर होता है मतलब पानी जो नीचे होता है सतह में कम्स टू द सरफेस वो सरफेस पे आ जाता है सतह पर आ जाता है ठीक है सरफेस में होती है सतह जो ऊपर की सतह होती है एंड फॉर्म्स बिग पूल और उसी से एक बड़ा पूल टाइप बन जाता है तो डेट पाम बबूल कीकर एंड सम ग्रास ग्रो अराउंड इट और उसी बिग पूल के जैसे ये बिग पूल है इसी के आसपास क्या होगा कि ये ग्रो कर जाएंगे प्लांट्स जैसे कि डेट का हो गया पाम बबूल कीकर और कुछ घास फूस उगानी ठीक है ये सब हो जाता है फिर सच ग्रीन एंड वॉटरी स्पॉट इन अ डेजर्ट देखिए अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट जो ग्रीन और वॉटरी स्पॉट जहाँ पानी होता है मरुस्थल में इज नोन एज ओसिस उसको हम क्या बोलते हैं ओसिस बोलते हैं ओसिस मींस क्या होता है आप बोलोगे ओसिस क्या है ठीक है तो ओसिस को समझिए आप ओसिस जो आपका डेजर्ट होता है ना मरुस्थल होता है उसके बीच में हरित भूमि होती है मतलब हरा भरा जगह जो होगी उसको हम ओसिस बोलते हैं ओके आगे समझ में जैसे ही आपको समझा देती हूँ ये डेजर्ट है पूरा ठीक है रेगिस्तान है और यहाँ बीच में आपका हरी हरी घास फूस पानी वानी सब कुछ है ठीक है तो इसको बोलेंगे हम ओसिस द लैंड नियर एंड ओसिस फर्टाइल जो जमीन होती है ठीक है ओसिस के पास वाली फर्टाइल होती है मीन्स उपजाऊ होती है ठीक है उपजाऊ जमीन होती है पीपल जनरली लिव लोग जनरली लिव करते हैं मतलब रहते हैं नियर एन ओसिस ओसिस के पास ही ज़्यादा रहते हैं मोस्ट विलेजेस आर सिचुएटेड अराउंड द ओसिस ज़्यादातर गांव भी सिचुएटेड हैं बने हुए हैं अराउंड द ओसिस ओसेस के ही आसपास पास वाइल्ड ट्रेवलिंग इन अ डेजर्ट जब ट्रैवल कर रहे होते हैं मरुस्थल में द ट्रैवलर्स एंड कारवान रेस्ट नियर एंड ओसेज टू गेट वॉटर फॉर देम सेल्व एंड देयर एनिमल्स सो द ट्रैवलर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं ठीक है जो यात्री होते हैं और कारवान्स होते हैं का, कारवा मीन्स होता है आपका चलता हुआ जो काफिला होता है जो ट्रैवलर्स होते हैं ना एक साथ जो चलते हैं काफिले में तो उसको हम कारवा बोलते हैं नोमार्स भी बोलते हैं ठीक है नोमार्ड्स भी बोल देते हैं जो घुमकड़ू होते हैं मतलब इधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं उनको नोमार्डस भी बोलते हैं कारवा भी बोलते हैं जो एक ग्रुप में चलते हैं रेस्ट नियर एन ओसिस तो वो क्या करते हैं रेस्ट करते हैं आराम करते हैं नियर एन ओसिस ओसिस के पास ही क्योंकि वहाँ का एरिया ठंडा रहता है टू गेट वाटर फॉर देल्व क्योंकि वहां से उनको पानी मिल जाता है ओके वो उनको पानी मिल जाता है एंड देयर एनिमल्स और उनके एनिमल्स को भी जो अपने साथ जैसे कैमल वगैरह लेके चल रहे हैं ठीक है एनिमल्स लेके चल रहे हैं तो उनके एनिमल्स को पानी मिल जाता है ये देखिए यहाँ पे ओसिस की पिक्चर ये दिख रहा है आपको इधर पूरा सेंड्यून्स है ठीक है बालू के टीले हैं रेत है और यहाँ देखो हरा भरा है ठीक है पानी आ गया है यहाँ पे पौधे भी हैं प्लांट्स हैं तो ये है ओसिस अब देखिए आगे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर राजस्थान के कैपिटल है थ्री ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज़ ऑफ राजस्थान जैसलमेर जोधपुर एंड बीकानेर थ्री ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज ऑफ़ राजस्थान राजस्थान की सबसे अट्रैक्टिव बहुत सुंदर शहर कौन कौन से हैं तो वो जैसलमेर है जोधपुर है बीकानेर है ठीक है ये याद रखना कौन कौन से राजस्थान के तो जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर आर अ पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के हिस्सा हैं ठीक है महान भारतीय मरुस्थल अब देखिए अदर बिग सिटीज़ और दूसरे जो बड़े शहर हैं एंड टाउन्स हैं आर गंगानगर जैसे कि गंगानगर है सूरतगढ़ एंड बारमर। अब आगे देखो द सॉइल इन द डेज़र्ट इन फर्टाइल जो सॉइल होती है डेजर्ट की वो फर्टाइल होती है ठीक है बट फर्टाइल तो होती है मतलब तो उपजाऊ होती है बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स लेकिन क्रॉप को ग्रो करना फसल जो होती है ना हमारी फ़सल को ग्रो करना उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन एबसेंस ऑफ वाटर क्योंकि पानी की कमी होती है समझ आ रहा है ना फर्टाइल मिट्टी तो होती है लेकिन हम फसल उगाएंगे कैसे पानी नहीं है पानी की एबसेंस है कमी है द situation इज नाउ चेंजिंग एज द government. अब देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है एज द government इज मेकिंग सीरियस एफर्ट जो गवर्नमेंट है हमारी जो सरकार है वो सीरियस एफर्ट्स कर रही है मतलब प्रयास करना है एफर्ट मीन्स होता है प्रयास करना और सीरियस मीन्स आपको पता ही है गंभीर प्रयास ठीक है इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सोचना कि पानी की कमी है टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट एरिया कि जो डेजर्ट एरिया में मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ इम्प्रूव हो इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है नाउ अ डेज द वॉटर ऑफ सतलज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कैरी टू पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट थ्रू द इंडियन सॉरी इंदिरा गांधी कैनाल अब देखो यहाँ पे नाव अडेज आज कल क्या हो रहा है कि वाटर ऑफ द सतलज रिवर जो सतलज रिवर है ठीक है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ट्रिब्यूटरीज मीन होती है सहायक नदिया टू पार्ट ऑफ दू द इंदिरा गांधी कैनाल तो ये क्या हो रहा है कि इस हिस्से से कैरी किया जा रहा है मतलब ट्रिब्यूटरीज से जो भी सहायक नदियां सतलज रिवर से पानी को लेके जाया जा रहा है डेजर्ट में थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल इंदिरा गांधी केनाल के, के द्वारा ठीक है नहर के द्वारा कनाल मीन्स होता है नहर ओके इंदिरा गांधी नहर के थ्रू लेके जाया जा रहा है तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है लोगों को अब आगे देखिएगा आगे है आपका यहाँ पे पिक्चर दी गई है कैनाल की ठीक है इंदिरा गांधी केनाल है यहाँ पे देखो ये पूरा ये दिख रहा है नहर आ रही है पूरी आपकी कैनाल है रेगिस्तान से अब देखो यहाँ पे दिस हैज चेंज दिस हैज चेंज द वेरी फेस ऑफ़ द डेजर्ट ये मतलब डेजर्ट का हुलिया थोड़ा चेंज कर रहा है अब क्योंकि पानी आ रहा है वहाँ पे, तो बदलाव आ रहा है ठीक है बट ऑल अलोंग द कैनाल लेकिन कैनाल के साथ साथ ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप क्या हो रहा है ग्रीन फील्ड्स भी आ, हो रहा है वहाँ पे, ठीक है जब पानी आ रहा है तो ग्रीन भी हो जाएगा वाटर फ्रॉम द कैनाल इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स अब जो कैनाल का पानी है उसको यूज़ किया जा रहा है फसल उगाने में जैसे कि कौन कौन सी फसल उगाई जाएंगी उससे वीट गेहूँ ग्राम चना ज्वार बाजरा मेज मक्का ठीक है तो ये फसलें भी उगाई जा रही हैं। तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है लोगों को अब बिग वीट फार्म या देखिए अ बिग वीट फार्म हैज बीन डेवलप्ड एक बड़ा गेहूं का जो फार्म है वो डेवलप किया गया बनाया गया है विकसित किया गया है इन सूरतगढ़ कहाँ पे किया गया है सूरतगढ़ नियर गंगानगर ठीक है सूरतगढ़ के पास गंगानगर में ओके सो इट इज टू बी इशियाज बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फॉर्म तो हम कह सकते हैं इसे क्या कहा जा सकता है कि एशिया का बिगेस्ट और लार्जेस्ट एग्री मतलब सेट टू बी एशियाज बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फॉर्म के उसके जैसा हो जाएगा एग्रीकल्चर फॉर्म की तरह लार्जेस्ट ठीक है बड़ा अब देखो यहाँ पे ये आपका सूरतगढ़ फार्म है ये देख रहे हो आप फार्म बनाया हुआ है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखिए अब आप ट्रांसपोर्ट सिंस रोड्स एंड रेलवे लाइंस कैन नॉट बी बिल्ट इन डेजर्ट रोड रेलवे लाइंस नहीं बनाई जा सकती हैं डेजर्ट में ठीक है मरुस्थल में कैमल्स आर द चीफ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन जो कैमल होते हैं ऊँट होते हैं ना ऊँट को आ, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना तो देखिए यहाँ पे कैमल जो है आर द चीफ मोड कैमल को ही एक ऐसा मोड दिया ट्रांसपोर्टेशन वो दिया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं हम कि वो साधन है एक तरह से जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल का यूज़ किया जाता है पीपल ट्रेवल ऑन कैमल कैमल पर लोग ट्रैवल करते हैं कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर पुलिंग कार्ड्स कैमल का यूज़ किया जाता है कार्ट को पुल करने में भी अब आगे देखिएगा आप कैमल्स हैव पेडेड फीट विच इबल दैम टू वॉक ईजीली ऑन लूज सैन कैमल है कैमल के गद्देदार पैर होते हैं पैडेड मीन्स होता है गद्देदार ठीक है कैमल के कैसे पैर होते हैं तो पैडेड फीट होते हैं गद्देदार विच इनेबल दैम टू वॉक ईजीली ऑन लूज सैंड और वो जैसे कि वो आराम से लूज सैंड पर जो रेतीला एरिया होता है वहाँ पे आराम से चल सकते हैं द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हंप जो कैमल होता है वो स्टोर कर सकता है फूड को ठीक है खाने को कहाँ पर अपने हम्प पर हम्प आपको पता है जो कु होता है उसका ठीक है बैक पे जो होता है ना कमर पे उसके कुवड़ निकला होता है उसको हम्प बोलते हैं एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज और वो ट्रैवल कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेज पे बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर सकता है दूर दूर तक जा सकता है विदाउट फूड बिना खाने के एंड वाटर और पानी के क्योंकि वो क्या करता है फूड को पहले ही स्टोर कर लेता है अपने हम्प में इट इज देरी यूजफुल इन अ डेजर्ट और ये बहुत यूजफुल है डेजर्ट के डेजर्ट में रहने के लिए एंड इज कॉल्ड द सिप ऑफ डेजर्ट और इसीलिए हम इसे सिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं किस को ऊट को ये देखो आप दिख रहे हैं यहाँ पे भी ऊंट है यहाँ भी ऊंट है यहाँ देखो रेगिस्तान है यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को भी पीने को भी पानी भी नहीं है फिर भी वो रह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टूगैदर एक ऐसा समूह लोगों का जो ट्रैवल करता है एक साथ ठीक है टुगेदर ऑन कैमल किसके ऊपर कैमल्स के ऊपर फॉर्म अ कारवा तो उसको हम काफिला बोलते हैं चलता हुआ काफिला ये देखो ये है ग्रुप लोगों का जो ट्रैवल कर रहे हैं ये कैमल है ठीक है इनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं और ये ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ठीक है आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइजेस, ओके okay? तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दे रखा है वेयर इज द वेस्टर्न डेजर्ट लोकेटेड वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है ठीक है तो वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है आंसर आप देखिएगा वेस्टर्न डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ठीक है मतलब पश्चिमी हिस्सों में राजस्थान ठीक है वहाँ लोकेटेड है द वेस्टर्न डेजर्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वॉट आर सेंट ड्यून्स सेंट ड्यून्स क्या होते हैं बालू के टीले एंड वॉट मेक्स द सेंट ड्यून्स मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर और क्या चीज़ ऐसी जो सेंट ड्यून्स को मूव कराती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं सैंड ड्यून्स तो अभी आपको चैप्टर में समझाया था ना कैसे जाते हैं हैवी रेन स्टॉम से सैंड ड्यून्स क्या है स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स जो पहाड़ियाँ टाइप बन जाती हैं ना हिलॉक्स मीन्स होता है पहाड़ी रेती की रेत की ठीक है तो सैंड्स आर कॉल्ड ड्यून्स ड्यून्स तो इसी को हम क्या बोलते हैं बालू के टीले और द डस्ट स्टॉम जब है तूफान आता ठीक है थीके? डस्ट वाला धूल वाला और सो बहुत ज्यादा भयानक दैट दे इजीली मूव द सैंड और वो इजीली मूव कर देता है सैंड ड्यून्स को जो आपके बालू के टीले होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है another, तो इसे बोलते हैं हम अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉट इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट डेजर्ट की नेचुरल वेजिटेशन क्या है तो आपको अभी बताया था ना कौन कौन सी है नेचुरल वेजिटेशन तो निवस हैं सर्ब्स है कैक्टस एंड कीकर ये नेचुरल वेजिटेशन है अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर तो फोर में पूछ रहा है हाउ डू द कैक्टस प्लांट सर्वाइव इन द डेजर्ट कैसे सर्वाइव करते हैं ठीक है कैक्टस प्लांट्स वगैरह तो द कैक्टस प्लांट्स सर्वाइव इन अ डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रख लेते हैं इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ व्हाट इज एन ओसिस ठीक है ओसिस क्या है तो ओसिस क्या है आपको समझाया था ओसिस है अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन अ डेजर्ट ठीक है डेजर्ट में मरुस्थल में एक हरी भरी जगह और पानी का स्पॉट भी हो वहां पे पानी भी हो नोन एज एन ओसिस उसी को हम ओसिस के नाम से जानते हैं अब देखो आगे सिक्स क्वेश्चन है आपका वाई इज कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट डेजर्ट का सिप क्यों बोला जाता है कैमल को तो ये क्वेश्चन है आपका सिक्स द कैमल इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक कैमल ही है जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन द डेजर्ट एरिया इसलिए बोला जाता है ओके okay? सेवेंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका व्हाई डू पीपल ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट रेस्ट नियर एन ओसेस ओसेस के पास ही रेस्ट क्यों करते हैं ज्यादातर लोग तो आंसर होगा द ट्रेवलर्स एंड कारवान जो उनके कारवान होते हैं या फिर ट्रैवलर्स होते हैं रेस्ट नियर एन ओसिस ओसेस के पास रेस्ट करते हैं टू गेट वाटर फॉर दैम क्योंकि उनको पानी मिल जाए ठीक है एंड देयर एनिमल्स और उनके एनिमल्स के लिए इसलिए वहीं रख रुकते हैं वो अब आते हैं हम बी एक्सरसाइज आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो चलिए इसे करते हैं फर्स्ट है द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ठीक है यहाँ क्या आएगा राजस्थान सेकेंड है पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड तो उनको नोमार्ट्स बोलते हैं या फिर आप कारवां भी बोल सकते हो ठीक है क्या बोल सकते हो आप उसको कारवान कुछ भी कर सकते हो दोनों में से दोनों ही करेक्ट है या कारवान ओके okay. अब देखिए आगे थर्ड है आपका स्मॉल हिरॉक्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स ठीक है फोर अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन अ डेजर्ट इज नोन एज एन ओसेस अभी बताया था फाइव वाटर ऑफ द सतलज एंड इट्स इज कैरी टू पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल ठीक है इंदिरा गांधी नहर से होकर आता है सिक्स लूनी इज अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज थ्रू द वेस्टर्न डेजर्ट द वेस्टर्न डेजर्ट लाइट मोस्टली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेस्टर्न डिजर्ट हम कहाँ हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में एट द डेजर्ट हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट डेजर्ट का क्लाइमेट जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशन वो एक्सट्रीम रहती है ओके अब देखते हैं नाइन नाइन नंबर इज ने रेन इन द डेजर्ट देअर इज हार्डली एनी वेजिटेशन तो इसमें क्या फील करोगे आप वेजिटेशन टेन कार्वान स्टॉप एट द ओसेज टू गैट वॉटर फॉर डेन्सेल्स एंड एनिमल्स आगे इलेवन कैमिल्स हैव पैडेड ठीक है तो ये पैडेड की स्पेलिंग है पी ए डबल डी ई डी ओके पैडेड फीट विच इनेबल दैम टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड चलिए अब आता है आपका देखो यहाँ पे पजल सॉल्व करने के लिए सी वाला क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल एक्रॉस ठीक है तो यहाँ पे एशियाज लास्ट एग्रीकल्चर फार्म इन राजस्थान यहाँ पे चीफ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट इन वेस्टर्न डेजर्ट चलिए पहले करते हैं फर्स्ट नंबर करते हैं सबसे पहले डाउन में तो डाउन में है नंबर वन में ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट एट डिज़र्ट तो वो होगा यहाँ पे आप फिल कर दोगे ओ दिख रहा है ओ ए एस आई एस ठीक है फिर दूसरा नंबर दे रखा है वन ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रोज इन द डेजर्ट तो सेकेंड में देखेंगे सेकेंड में है यहाँ पे देखो आपका कैक्टस ये दिख रहा है कैक्टस तो यहाँ c a c t u s कैक्टस अब आता है थर्ड स्मॉल रॉक्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट तो थर्ड में यहाँ पे है आपका सैंड ड्यून हो जाएगा s a n d सैंड और नीचे ड्यूनस ठीक है ये रहा डी यू एन ई एस ये फिल कर लेना आप फिर फोर्थ में देखा यहाँ पे एशियाज लास्ट एग्रीकल्चर फार्म इन राजस्थान तो ये कहाँ है ये ये रहा इधर सूरतगढ़ ठीक है उसके बाद आता है आपका फिफ्थ चीफ मोर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेस्टर्न डेजर्ट तो ये फिफ्थ आता है यहाँ पे ये रहा आपका कैमिल ठीक है कैमिल ही तो है तो चलिए ये हो गया कंप्लीट अब देखते हैं क्वेश्चन आपका तो क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी में ए वाला राइट टेन लाइंस ऑन कैमल कैमल के ऊपर आपको टेन लाइंस लिखनी है स्पेसिफिकली अबाउट इट्स एडेप्टिबिलिटी इन डेजर्ट एंड इट्स पैक्युलरिटी और फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट इट मतलब उसकी एक स्पेशल आदत और उसके बारे में अडेप्टिटी कैसे होती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके उसके बारे में लिखना है आपको चलिए बताते हैं टेन लाइन्स आप लिखते हैं एक्टिविटी की तो नंबर वन कैमल इज़ कॉल्ड सिप ऑफ़ डेजर्ट यह आपको पता है कि कैमल को डेजर्ट का सिप बोला जाता है मरुस्थल का इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज़ ये पानी के बिना रह सकता है कई दिनों तक इट कैन ड्रिंक हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर एट अ टाइम और ये पानी पी सकता है हंड्रेड लीटर तक ठीक है एक बार में फोर्थ नंबर थिक विशी आईब्रोज इसकी जो आईब्रोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप देखें अपने इतनी घनी घनी होती हैं झाड़ियों टाइप फिफ्थ कैमल्स आर फाउंड इन बोथ कैमल्स दोनों एरियाज में फाउंड किए जाते हैं मिलते हैं हॉट uh, एरियाज में भी डेजर्ट के एंड कोल्ड डेजर्ट में भी दोनों जगह मिलते हैं सिक्स इन हम्प ऑफ अ कैमल फैट इज़ डिपोजिटेड इन इट तो कैमल के हम्प में फैट डिपोजिट रहता है सेवन इट कैन वॉक सिक्सटी किलोमीटर इन अ डे ये वॉक कर सकता है सिक्सटी किलोमीटर तक एक दिन में एट नंबर दे आर यूज फॉर ट्रेड एंड मिलिट्री परपज़ इसका यूज़ किया जाता है ट्रेड के लिए भी ट्रेड मीन्स होता है व्यापार ठीक है व्यापार के लिए भी और मिलिट्री यूज़ के लिए भी नाइन दे आर रियर फॉर मिल्क इनको पाला जाता है मिल्क के लिए मीट के लिए भी एंड बुल के लिए भी टेन द एवरेज एज ऑफ कैमिलज फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स इनकी जो एवरेज एज होती है ना मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इसी एज में हो जाए बट एवरेज एज है फोर्टी टू से फिफ्टी ईयर तक ओके तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वेट बी क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर गोइंग इन डेजर्ट कार इमेजिन करो कि आप कारवा डेजर्ट कारवा में जा रहे हो विद योर फैमिली ठीक है कारवा के साथ अपनी फैमिली के साथ सर्चिंग फॉर एनओसिस ओसिस को सर्च करने सडनली अचानक वन ऑफ यू स्पॉट एन एनोसिस आप में से एक ने किसी ने ओसिस को फाइंड आउट कर लिया राइट डाउन टेन लाइज ऑन अब इस पर आपको टेन लाइन्स लिखनी है इन टॉपिक्स को देख के हाउ यू विल फील अबाउट इट आप कैसा फ़ील करेंगे ठीक है एंड देन वट वुड वी द रिएक्शन ऑफ वेरियस पीपल इन यूर फैमिली आपकी फैमिली के लोगों का रिएक्शन कैसा होगा उसको देख कर थर्ड वट विल यू डू वैन यू रीज द ओसेस आप क्या करोगे जब आप ओसेस में पहुँच जाओगे तो इसी पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैंने लिखी है यहाँ पर देखिएगा आई फील टू एक्साइटिंग वाई सींग ओसेस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाऊँगी मतलब एकदम से उत्साहित ओसिस को देख के एंड ड्रिंक द वॉटर एट एंड फील टू फील टू मतलब हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश महसूस करूँगी उसको देख कर तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी ओसिस को देख कर वहाँ पानी में पीऊंगी वाटर इन इट इसमें से एंड फील टू हैप्पी और मैं वहाँ बहुत खुश हो जाऊँगी ओसिस को देख के ओसेस प्रोवाइड रेस्ट ओसेस रेस्ट प्रोवाइड करेगा सैड फूड ठीक है एंड वाटर फॉर नोमार्ट्स जो घूमने आते हैं एज द ट्रेवल देयर टेरेटरीज एंड टू अदर पीपल फॉलोइंग ट्रैवल ट्रेड रूट्स ठीक है तो वहाँ से जो ट्रेड रूट व्यापार करते हैं उस रास्ते से होकर निकलते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छा लगेगा नोमार्ट्स के लिए ठीक है तो अच्छा रहेगा जो भी घूमने जाएंगे और लास्ट में आई कलेक्ट ग्रीन लीव्स एंड पुट दैमा बैग वहाँ से मैं ग्रीन ग्रीन लीवस कलेक्ट करूँगी उनको अपने बैग में रख लूँगी एंड सीलेटर उसको बिल्कुल बंद कर दूँगी इट सीम्स अमेजिंग दैट ट्रीज कुड स्प्राउट इन एन ओसेज़ और ये बहुत देख के अमेजिंग लगेगा कि वहाँ पे ट्रीज होंगे हो सकते हैं स्प्राउट करते हैं ओसेस में चलिए अब आगे ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग